हेलो बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन बादरा में आप सभी का स्वागत है। श्री श्याम महिला महाविद्यालय में जिन बच्चों ने प्रवेश लिया है उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम सुमन है और मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, केमिस्ट्री। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी और जो बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जिन्होंने अभी नया प्रवेश लिया है उनका मैं एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उन्होंने इस महाविद्यालय को अपने लायक अच्छा समझा और आप सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के आने से हमारी जो ऑफलाइन क्लासेज हैं वो नहीं लग पा रही, इसलिए हमने इन ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है। तो इस आधार पर जो मेरा मुख्य सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ। पहले मैं उनकी जनरल बातें बताऊँगी आपको और फिर हम हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो क्लास है वो क्या है, बीएससी फर्स्ट ईयर है और बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो पेपर लगता है केमिस्ट्री का या केमिस्ट्री की जो टोटल बुक है वो हमारी कितनी है, 3 है। ठीक है, पहली बुक अकार्बनिक रसायन, इस बुक का नाम क्या है, अकार्बनिक रसायन। या फिर कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी जो बुक है हमारी वो है कार्बनिक रसायन, क्या है, कार्बनिक रसायन। तो जो केमिस्ट्री की जो बुक है वो 3 लगती हैं, आपके 3 ही पेपर होते हैं और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो सेकंड बुक है आपकी, सेकंड ही पेपर है। ठीक है, और जो तीसरा पेपर है या तीसरी जो बुक है वो है फिजिकल, उसको बोलते हैं भौतिक रसायन, क्या बोलेंगे, भौतिक रसायन, और इसको बोला जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, क्या बोला जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, वैसे मैं आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ा रही हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं, बाई लैंग्वेज पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों को ही पढ़ाते हैं, बता देते हैं, साथ में टर्म मैन टर्म्स होते हैं वो लिखते हैं। तो हमारे जो केमिस्ट्री के जो पेपर होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं। टोटल पेपर कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 ही बुक है इनकी, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। इनमें से वैसे क्या है, मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो किसके अंदर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है। ठीक है, लेकिन मैं तीनों ही पढ़ा देती हूँ। ठीक है, और मेनली क्या होती है कि ये जो दो बुक होती हैं ये थोड़ी हार्ड होती हैं, अकार्बनिक रसायन जो होती है वो इजी होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं। दो पहले हम इन दो बुक को करेंगे, इन दोनों बुकों को ज़्यादातर मैं ही करवाती हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले बीएससी फर्स्ट ईयर की जो कार्बनिक रसायन जो बुक है उसको लेते हैं, किसको लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, क्या लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो टोटल इसके अंदर जो यूनिट होती हैं वो 5 होती हैं। ठीक है, और चैप्टर जो हैं वो कितने हैं, टोटल 12 चैप्टर लगते हैं। ठीक है, हमारी जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट जो फर्स्ट है उसके अंदर आता है पहला चैप्टर संरचना व बंधन, या फिर बोल सकते हैं अपने स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग।
ठीक है। अब देखिए दूसरी जो दूसरा जो चैप्टर है वो है अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। या फिर इसको बोल सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, क्या बोल सकते हैं हम, रिएक्शन मैकेनिज्म। फर्स्ट यूनिट के अंदर ये दो चैप्टर आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारी जो सेकंड यूनिट है उसकी हम बात कर रहे हैं, या चैप्टर नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं हम, तो हमारा जो चैप्टर है वो है त्रिभीम रसायन। क्या है, त्रिभीम रसायन, या फिर इसको बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री। आप 12th क्लास में स्टीरियो केमिस्ट्री का जो चैप्टर पढ़ कर आए हो उसी से रिलेटेड चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में है यहाँ पर, वहाँ थोड़ा शॉर्ट में है। ये सेकंड नंबर यूनिट के अंदर हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर आता है। उसके बाद में आती है यूनिट थर्ड, उसके बाद में आती है यूनिट थर्ड या चैप्टर नंबर चार। इसके अंदर आता है एल्केन और आता है साइक्लो एल्केन। क्या आता है, एल्केन और साइक्लो एल्केन, एल्केन और साइक्लो एल्केन। अब देखो एल्केन वाला चैप्टर आपने 11th में पढ़ा है, तो उसी से रिलेटेड एल्केन सीधी कार्बन श्रृंखला के रूप में हो, सिंगल बॉन्ड वो एल्केन होती है, सर्किल की फॉर्म में ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, साइक्लो एल्केन हो जाएगी। तो ये जो थर्ड नंबर यूनिट है उसके अंदर दो चैप्टर आते हैं, एल्केन और साइक्लो एल्केन। फिर उसके बाद में जो यूनिट फोर्थ है हमारी, यूनिट जो फोर्थ है उसके अंदर देखिए, इसके बाद में और सिक्स नंबर चैप्टर की बात करें हम, एल्कीन, एल्कीन आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और फिर आ जाएगा एल्कीन से संबंधित साइक्लो एल्कीन, क्या आ जाएगा, साइक्लो एल्कीन या साइक्लो एल्कीन। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद में जो आठ नंबर चैप्टर है हमारा वो आता है एल्काइन, ये फोर्थ नंबर यूनिट के अंदर ही आते हैं एल्काइन। और जो नाइन्थ चैप्टर है वो है डाइन, क्या है, डाइईन। ये जो चार चैप्टर हैं वो फोर्थ यूनिट के अंदर आते हैं। उसके बाद में आता है यूनिट फाइव, क्या आती है, यूनिट फाइव। और हम चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं, इसके अंदर आता है एरीन व एरोमेटिकता, एरीन व एरोमेटिकता, या फिर अपने बोल सकते हैं एरीन एंड एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। ये हमारा 10 नंबर चैप्टर है। 11 नंबर जो चैप्टर है वो है एल्किल, एल्किल हैलाइड, क्या है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और जो 12 नंबर चैप्टर है वो है एराइल हैलाइड, क्या है, एराइल हैलाइड, या फिर बोलते हैं एरिल हैलाइड, हिंदी में बोलते हैं एरिल हैलाइड। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को ही पढ़ाती हूँ, लेकिन अपने जो कॉलेज में क्या करते हैं, बाईलैंग्वेज सिस्टम चलता है, ठीक है। और ये जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है जिसके अंदर 5 यूनिट हैं और टोटल क्या है, चैप्टर का डिवाइडेशन जो है वो 12 चैप्टर में डिवाइड कर रखा है और जिनको 5 यूनिट में जोड़ रखा है,
तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर दो ही चैप्टर है हमारे, ठीक है। सेकंड यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर आता है, थर्ड यूनिट के अंदर दो चैप्टर है, एल्केन व साइक्लो एल्केन, और जो फोर्थ यूनिट है उसके अंदर चार चैप्टर है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, चार चैप्टर जरूर हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसीलिए इसके अंदर चार चैप्टर आते हैं। और पांचवी जो यूनिट है इसके अंदर तीन चैप्टर हैं, एरिन एरोमेटिसिटी, एल्किल एलाइड और एराइल एलाइड। ये आप 12th क्लास में पढ़ कर आए हो, जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या केमिस्ट्री सेकंड का जो फर्स्ट चैप्टर है एल्किल और एरिल एलाइड, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, वही चैप्टर है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 12 चैप्टर हैं। हम पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही शुरू करेंगे, इसलिए मैंने आपको लगभग पूरा सिलेबस बता दिया। बाकी जैसे हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम जब चैप्टर वाइज करेंगे तब साथ साथ कर लेंगे। बिल्कुल आपको टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक अच्छे से जैसे सिलेबस में दिया है वैसे टिप टॉप करवाया जाएगा। तो इस आधार पर हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म। इस चैप्टर को शुरू करने का एक कारण भी है, भी हमने क्या किया, ना तो स्टार्टिंग वाला चैप्टर शुरू किया ना लास्ट वाला, बीच में से ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है रिएक्शन मैकेनिज्म जो सारे चैप्टर का आधार है। जब आप इस चैप्टर को कर लोगे, इसके अंदर फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बोएनाइन, नाभिक्स नई, इलेक्ट्रॉन्स नई, अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप की रिएक्शन होती है, उनको कैसे करते हैं, कौन सी रिएक्शन कौन शो करता है, ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर है। इसलिए हम इस चैप्टर को सबसे पहले शुरू करते हैं, क्योंकि इसी चैप्टर का यूज सारे चैप्टर के अंदर होगा, ठीक है। तो इसीलिए मेन पर्पस इस चैप्टर को शुरू करने का ये है। लेकिन हम इस चैप्टर को इसलिए शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जब सारे चैप्टर करेंगे तो लगभग ये चैप्टर हमारा हो जाएगा और उसको लास्ट में देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म। चैप्टर के नाम से ही शोर है, रिएक्शन मैकेनिज्म, कहने का मतलब है रिएक्शनों का मैकेनिज्म, रिएक्शनों की क्रियाविधि, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि कैसे होती है वो देखनी है हमें, कैसे कार्बोकेटाइन बनते हैं, कैसे कार्बोएनाइन बनते हैं, एडिशन रिएक्शन कैसे होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर देखनी है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर हम शुरू कर रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है हमारा, बंध विखंडन, बॉन्ड फ्यूजन। क्या बोलते हैं उसको, बंध विखंडन या बॉन्ड फ्यूजन। तो सबसे पहले पहला टॉपिक है बंध विखंडन, क्या है बंध विखंडन, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं बॉन्ड फ्यूजन। क्या बोलते हैं, बॉन्ड फ्यूजन। हमारा जो फर्स्ट बॉन्ड फ्यूजन या बंध विखंडन का मतलब क्या है, बंध का टूटना। अब कौन से बंध का टूटना, सहसंयोजक बंध का। जैसे मान लो ये कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन के बीच में ये बंध बना हुआ है, ठीक है। वैसे भी क्या होता है, कोई भी कार्बन जो होता है वो चार बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका संकरण क्या आता है, sp3 आता है। तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये दो इलेक्ट्रॉन से बना है, दो इलेक्ट्रॉन से ये बना है, दो इलेक्ट्रॉन से ये बना है, दो इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, कंप्लीट है। तो इसका मतलब जब दो कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है तो ये दो इलेक्ट्रॉनों की पार्टिसिपेशन से बना है, साझेदारी से बना है। जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का विभाजन होगा, या इस बॉन्ड को तोड़ना ही क्या होता है, बंध विखंडन होता है। और जब बॉन्ड का फिजन करेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का विभाजन होगा, या तो इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के पास चले जाएंगे
या फिर ऐसे होगा कि एक कार्बन ले जाएगा, दूसरा ग्रुप रह जाएगा, या फिर ऐसा होगा दूसरा ग्रुप ले जाएगा और कार्बन रह जाएगा। तो ये कंडीशन अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो जो बॉन्ड का विभाजन जो होता है, सेशोंजी बॉन्ड का, कोवलेंट बॉन्ड का विभाजन होता है, वो दो प्रकार से होता है। इसीलिए जो बंध विखंडन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है समास बंध विखंडन। क्या होता है? समास बंध विखंडन, इसको बोलते हैं होमोलिटिक, होमोलिटिकल लिटिक फीजन। क्या बोलेंगे? होमोलिटिक फीजन। और दूसरा है बिस्मास बंध विखंडन। दूसरा क्या है? बिस्मास बंध विखंडन, बंध विखंडन, ठीक है। इसको बोलेंगे हेटेरो लिटिक बॉन्ड फीजन। और ये भी क्या हो जाएगा? बॉन्ड फीजन। तो इसलिए बॉन्ड जो फीजन होता है वो दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम समास बंध विखंडन की बात करते हैं। समास बंध विखंडन क्या होता है? समास बंध विखंडन, समास बंध विखंडन, समास, समास का अर्थ है समान। क्या है? समान, यानी कि जो बॉन्ड बना हुआ है उसके इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? समान रूप से विभाजन होगा। जैसे हमारे पास ये कार्बन है और इस कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना है, ठीक है, और दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बराबर है, इसलिए क्या करेंगे? समान रूप से विभाजित करेंगे। यानी कि इनके अंदर जो पावर है वो क्या है? समान है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से विभाजित करेंगे। लो जी, कर देते हैं समान रूप से विभाजित, कर दिया। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, और ये इसके आगे क्या लगा देती हूँ? दो लगा देती हूँ। क्योंकि अब देखो, समान, समास बंध विखंडन मतलब समान रूप से बंध का विभाजन क्या होता है? समास बंध विखंडन होता है। हो गया विभाजन, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। जब कार्बन पर एक बिंदु के रूप में शो किया जाता है उसको बोला जाता है फ्री रेडिकल। क्या बोला जाता है? फ्री रेडिकल, या फिर इसको बोलते हैं मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक। तो इलेक्ट्रॉनों का जब समान रूप से विभाजन होता है, सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों का जब समान रूप से विभाजन होता है तो हमेशा ही क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। इस प्रकार का जो बंध विखंडन होता है उसको बोला जाता है समास बंध विखंडन। हमें पहले, सबसे पहले बॉन्ड को तोड़ने का पता होना चाहिए, तभी हम रिएक्शन करवाएंगे, तभी हम मानने वाला कोई नया ग्रुप जोड़ेंगे। दूसरा आता है बिस्मास बंध विखंडन। क्या आता है? बिस्मास बंध विखंडन, या फिर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फीजन। बिस्मास का मतलब क्या होता है? असमान, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? असमान रूप से विभाजन होगा। मान लो यहाँ कार्बन है, इसके साथ मैं क्या जोड़ दूँ? Cl जोड़ दूँ, या मान लो ये कार्बन है, इसके साथ मैं ऐसा ग्रुप जोड़ दूँ जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब कार्बन और Cl में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? Cl की। Cl ज़्यादा पावरफुल है, उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, और जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है, हमेशा ही नेगेटिव में रहना पसंद करता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? Cl के पास में। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? Cl ले जाएगा। अब बताओ आपको इलेक्ट्रॉनों का विभाजन असमान हुआ या समान हुआ? असमान हुआ, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेकर चला जाएगा? Cl लेकर चला जाएगा। अब कार्बन के पास कुछ नहीं बचा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और Cl पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? उसके पास दो इलेक्ट्रॉन प्रजेंट है। तो Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा थी, ज़्यादा पावरफुल था, छीन कर दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया। और जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है वो हमेशा ही नेगेटिव में रहता है और दूसरे को क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है।
दूसरे को क्या करता है, पॉजिटिव बना देता है। इतनी बात आई समझ में? अब देखो, जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको बुलाता है कार्बोकेटाइन। इसको हिंदी में भी कार्बोकेटाइन बोलते हैं और इंग्लिश में भी कार्बोकेटाइन ऐसे लिख सकते हैं, या इसको कार्बदनाइन भी बोल सकते हैं। तो इतना कार्बदनाइन याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप कार्बोकेटाइन करो सीधा, ठीक है। और इस पर क्या गया, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या है, एक ग्रुप ऐसा है जिसकी विद्युतीयता क्या है, कार्बन से कम है। क्या है, कार्बन से कम है। तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, Cl के पास जाएंगे। ये तो जनरल सी बात है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉनों को कौन लेकर जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला लेकर जाएगा, Cl ले जाएगा दोनों, C ले जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉनों को। तो इस कार्बन के पास में दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए और ए पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको बोला जाता है कार्बोएनाइन। क्या बोला जाता है, कार्बोएनाइन, या कार्बरनाइन बोल सकते हैं या फिर कार्बोएनाइन बोल सकते हैं अपने। तो क्या बन गया, कार्बोएनाइन। अब देखिए बात, हमारे पास क्या आ गया, फ्री रेडिकल आ गया, कार्बोकेटाइन आ गया और कार्बोएनाइन आ गया। ये बने कैसे हैं, बंध विखंडन से। कौन से बंध विखंडन से, समास बंध विखंडन और विषमास बंध विखंडन से। समास बंध विखंडन से हमेशा ही फ्री रेडिकल बनेगा, इस बात को दिमाग में बाढ़ लो, इसके अलावा फ्री रेडिकल किसी से नहीं बनता। विषमास बंध विखंडन से हमेशा ही क्या बनते हैं, कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन। ये था हमारा बंध विखंडन, लेकिन अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, उसके बाद में हम फ्री रेडिकल के बारे में, कार्बोकेटाइन के बारे में, कार्बोएनाइन के बारे में और डिटेल में बातें करने वाले हैं, कैसे बनेंगे, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इसको भी करेंगे। लेकिन आज की हमारी क्लास हम एक बार यहीं समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।